हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट है कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आपको खुद को चाहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, है ना कितनी खूबसूरत सी बात। लेकिन इसी खूबसूरत सी बात को हम बहुत बार मिस कर जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर हम खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो हमें कौन प्यार करेगा। लेकिन फिर भी हम बहुत बार खुद को निग्लेक्ट करके सामने किसी से हमेशा डिमांड करते रहते हैं कि मुझे प्यार करो, मुझे समय दो। और जब वो डिमांड नहीं पूरी होती है तो हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। लेकिन आप अगर खुद से प्यार नहीं करेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि जब खुद से कोई व्यक्ति प्यार नहीं करता तो उसे कोई दूसरा व्यक्ति प्यार कर ही नहीं सकता। सो मेक श्योर कि खुद को अपनी प्रायोरिटी पर लेकर आएं, खुद को समय दें, खुद को पैम्पर करें, खुद की स्किन, खुद के बाल, खुद की पर्सनालिटी, खुद के ऑरा, खुद के मेडिटेशन पर ध्यान दें। जब आप खुद की हेल्थ पर ध्यान देंगे, जब आप खुद की ब्यूटिफिकेशन पर ध्यान देंगे, जब आप खुद की पर्सनालिटी को इन्हांस करेंगे तो आपको चाहने वालों की ना लाइन लग जाएगी। ये यकीन मानिए इस बात को। लेकिन इसी छोटी सी चीज़ को हम अवॉइड करके और फिर चाहते हैं कि हमें चाहने वालों की लाइन लग जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। सो मेक श्योर खुद को प्रायोरिटी पर लेके आए, खुद से प्यार करें और फिर देखें जादू आपको खुद को प्यार करने का। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 हर्ब्स के बारे में जिन हर्ब्स का इस्तेमाल हम अपने बालों की हेल्थ को अच्छा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बाल जो हैं वो लंबे होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, घने होने चाहिए, सिल्की और सॉफ्ट होने चाहिए। लेकिन ये सब कुछ मौजूद है हमारे आयुर्वेद की वजह से। लेकिन इस आयुर्वेद को इस्तेमाल कैसा किया जाए इसके बारे में हमें जानकारी ज़्यादा नहीं होती, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूँ ना आपके लिए। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा 5 ऐसी हर्ब्स के बारे में जिन हर्ब्स को आप अपने बालों की अलग अलग समस्याओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें अगर आप अपने बालों को हेल्दी, स्ट्रांग एंड शाइनी बनाना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं बालों को खूबसूरत बनाने के बारे में तो आयुर्वेद की सबसे पहली जो जड़ी बूटी आती है उसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा को ऐसे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बताया जाता है मेल्स के लिए, लेकिन अगर इसका हेयर पैक लगा करके हम अपने बालों में बाहर लगाएं तो ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन क्या इसे सीधा प्योर लगा लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो इससे अगर आप हेयर पैक बना करके लगाना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर मिलानी होंगी 2-3 और चीज़ें। मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन क्या है। सो हमें यहाँ पर लेनी है मुल्तानी मिट्टी जो कि हमारे बालों के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगी। हमें यहाँ पर लेना है गुड़हल के फूलों का पाउडर जिसको हिबिस्कस पाउडर कहते हैं, ये हमारे बालों में चमक देने का काम करेगा। हमें लेना है अश्वगंधा पाउडर जो कि हमारे बालों के अंदर जो न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है उसे पूरा करने में मदद करेगा। और नंबर 4 और नंबर लास्ट जो हमें दोस्तों यहाँ पर लेना है वो लेना है दाना मेथी का पाउडर, ये मदद करेगा हमारे बालों के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने में। इन चारों ही चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर के हमें एक लोहे की कढ़ाई में अच्छे से पानी के साथ इसका पेस्ट बना करके 1 दिन के लिए छोड़ देना है और फिर इसे बालों की जड़ों में लगा करके 1 से 1.5 घंटे छोड़ करके इसे प्लेन पानी से वॉश कीजिए। आप देखेंगे कि हफ्ते में एक बार अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपके बालों में चमक आने लगती है, आपके बाल मजबूत हो जाते हैं। दूसरी जो हर्ब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है बालों को मजबूत करने के लिए वो होती है भृंगराज। भृंगराज के अंदर बहुत सारे मल्टी विटामिन्स और बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारे बालों को मजबूत करने के लिए। सो भृंगराज को डायरेक्ट लगाया जा सकता है, मतलब कि आपको साबुत भृंगराज मार्केट से परचेज करना है, उसका आपको पाउडर बनाना है और इस पाउडर का पेस्ट आपको बना लेना है पानी के साथ में। 24 घंटे आप इस पेस्ट को बना करके रख दें और 24 घंटे बाद आप इसे अपने बालों के जड़ों में लगाएं तो आप देखेंगे कि आपके बालों की जो चमक है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपके बालों के अंदर जो झड़ने की समस्या थी वो भी खत्म हो गई है और सबसे बड़ी बात कि बालों में जो फंगल इन्फेक्शन था, जो डैंड्रफ था, वो भी खत्म करने में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स यहां पर हो रहे हैं।
तीसरी जो हर्ब जो हमें आयुर्वेद ने लिख करके दी है वो है हिबिस्कस पाउडर, जिसे गुड़हल के फूलों का पाउडर कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एक हेयर पैक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है अगर हम इसे अपने बालों में चमक देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आपके बालों में चमक नहीं है तो आपको दो चीज़ों को मिलाना है, आपको मिलाना है गुड़हल के पत्तों का और गुड़हल के फूलों का पाउडर जिसको हिबिस्कस पाउडर कहते हैं, और साथ में आपको मिलानी है मुल्तानी मिट्टी। दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके पानी के साथ आप इसका पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को अपने बालों में लगा करके अब 2 घंटे के लिए रखिए। अगर आपके पास स्टीम कैप का प्रोविजन है, अगर आपके पास स्टीम कैप अवेलेबल है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो इसे आप लगा करके आधे घंटे के लिए स्टीम दे दीजिए अपने बालों को, तो आपके बालों के अंदर जब आप इसे वॉश करोगे इतनी ज्यादा चमक आ जाएगी जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सो मेक श्योर कि इसे अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। स्टीम कैप जो है वो एक बहुत अच्छा साधन है अपने घर में अपने बालों को स्टीम देने के लिए। सो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमें स्टीम चाहिए, हमें सलून जाना पड़ता है, हमें पार्लर्स में जाना पड़ता है। अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टीम कैप को अपने घर में मंगवा करके अपने बालों में ज़रूरत पड़ने पर स्टीम दे सकते हैं, एंड ये आपके बालों को बिल्कुल पार्लर जैसा ही बेहतरीन चमक और शाइन देने वाला है। इस स्टीम कैप को परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से जा करके आप इसे ईजिली परचेज कर सकते हैं। अब जो हर्ब नंबर 4 जो आती है दोस्तों, वो आती है त्रिफला। त्रिफला जो है वो उन बालों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है जो बालों में रूखापन बहुत ज़्यादा है, जिन बालों ने कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया है और जिन बालों के अंदर चमक बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वहाँ पर त्रिफला बहुत ज़्यादा मदद करता है। त्रिफला का जो पेस्ट है वो हमें बनाना होता है दूध के साथ में। कभी भी त्रिफला का पेस्ट आप बालों में लगाने के लिए पानी के साथ नहीं बनाइएगा, क्योंकि दूध के साथ जो त्रिफला के अंदर जो हरड़ होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्टिव बन जाता है। सो इन्हें अच्छे से मिला करके दूध के साथ पेस्ट बनाइए, 12 से 15 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, मतलब आप ओवरनाइट छोड़ सकते हैं, और सुबह अपने बालों में आप लगाइए, 2-3 घंटे बाद आप इसे वॉश कीजिए, आपके बालों में हल्का कलर भी आएगा और साथ के साथ में आपके बालों के ऊपर जो केमिकल्स की वजह से जो ड्राइनेस आ गई थी, जो बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए थे, डैमेज हो गए थे, उन्हें भी ख़त्म करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जो हर्ब नंबर 5 आता है दोस्तों, वो आता है दाना मेथी। दाना मेथी एक बहुत कॉमन हर्ब है, हम में से बहुत सारे लोग अपने बालों में ऑयल बनाने के लिए, शैम्पू बनाने के लिए और अलग अलग हेयर पैक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दाना मेथी को अगर आप रात को उबाल करके रख दें और सुबह उसकी चटनी जैसा पेस्ट बना लें और इसे अगर अपने बालों में लगाएं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा हेयर पैक का काम करके देता है, जिसकी वजह से आपके बालों के अंदर चमक बढ़ती है, आपके बालों के अंदर जो ड्राइनेस आ जाती है उसे ख़त्म करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो दोस्तों, ये थी वो 5 जड़ी बूटियाँ जिनके बारे में मुझे आपको बताना था कि आप इनका इस्तेमाल करके अपने बालों को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इन्हें आज से ही अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें अपने बालों की ज़रूरत के हिसाब से, और फिर कुछ महीनों बाद मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि आपका एक्सपीरियंस इन हर्ब्स के साथ कैसा रहा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का ये जानकारी भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर, तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी हिट कर लीजिएगा। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो much. Bye-bye. Love you all.